नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। कहीं भी रहें, खुशहाल रहें। दोस्तों, मित्रों और साथियों, जब आदमी धरती पर आता है तो खाली हाथ ही आता है और जाते वक्त भी खाली हाथ जाता है। जीवन की जितनी कमाई होती है वह सब यहीं छूट जाता है। केवल अपनी कर्म कमाई ही रह जाता है। अच्छे कमाई आदमी किया होगा तो जाने के बाद लोग नाम लेते हैं और बड़ाई भी करते हैं। अगर बुराई किए होंगे तो लोग गालियां भी देते हैं मरने के बाद। तो दोस्तों, कर्म ही महान चीज है। जब भी कहीं से भी कोई बात आदमी उठाता है तो कर्म ही प्रधान होता है, इंसान नहीं। तो साथियों, आज हम चलें पीपल वृक्ष के द्वारा जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं, आप दूर कर सकते हैं, और इसके साथ ही भौतिक सुख सुविधा भी प्राप्त होती है। तो साथियों, पीपल वृक्ष से हिंदी स्टेट में सभी लोग परिचित हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जहां हमारी वीडियो पहुंचती है, वहां लोग कहते हैं कि यह कैसा होता है, यानी वहां का नाम का फर्क है। हम हिंदी में पीपल कहते हैं, किसी और भाषा में कुछ और कहा जाता होगा। तो इसलिए चलिए पहले हम उस पीपल वृक्ष का एक डाली दिखाता हूं और आप इससे समझ सकते हैं। तो साथियों, ये देखिए, यदि इससे लोग पहचान सकते हैं, यह पीपल वृक्ष है जी। तो दोस्तों, यह रही पीपल वृक्ष। अब पीपल वृक्ष से कैसे हम कौन सा टोटका उपाय करते हैं, तो इसको जानिए साथियों। मान्यता है कि कोई व्यक्ति पीपल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित करता है तो उसके जीवन में बड़े से बड़े परेशानियां भी दूर हो जाती है। और पीपल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित करके उसकी नित्य पूजा भी जरूरी करनी चाहिए। इस उपाय से व्यक्ति को सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती है। तो साथियों, इसमें कोई दिन वार नहीं है। और दोस्तों, शिवलिंग कोई जरूरी नहीं है कि हम पत्थर का ही स्थापित करेंगे। देखा जाता है कि मिट्टी की भी शिवलिंग बनाए जाते हैं, तो यह बिना खर्च का है। तो आप अगर चाहते हैं तो मिट्टी का भी शिवलिंग बनाकर पीपल वृक्ष के नीचे स्थापित करके प्रतिदिन उसका पूजा कर सकते हैं। और भारी मात्रा में
जीवन में सुख सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। तो साथियों, हम इसी तरह से आपको वीडियो देता रहूँगा और आप घर बैठे इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।